राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में हर भाषण में प्रधानमंत्री ने 15 लाख हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है आपको? भूल गए? याद है ना? आया बैंक अकाउंट में मिला 15 लाख? अच्छा 10 रुपए मिले? नहीं। तो हर भाषण में वो ये कहते हैं, और एक उनका भाषण मैंने भी देख लिया, मैंने सोचा कि ये आइडिया तो अच्छा है, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। मगर झूठ था, 15 लाख झूठ था। तो कुछ महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और उनसे मैंने कहा, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का नंबर दिया और झूठा नंबर था, खोखला था, उसमें कुछ दम नहीं था। और पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी एक के बाद एक हिंदुस्तान के चोरों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। नीरव मोदी को 35,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए बैंक से, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में। तो मैंने कांग्रेस के थिंक टैंक से पूछा, एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम हर महीना पैसा डालें तो कितना पैसा डाल सकते हैं? पहला सवाल, क्या यह किया जा सकता है? और दूसरा सवाल, मुझे नंबर दो। मैं बड़े मतलब बड़ी थ्योरी नहीं चाहता, किताब देखना नहीं चाहता, मैं एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठा नंबर दिया, मैं सच्चा नंबर चाहता हूं। वो गए 5-6 महीने, उन्होंने काम किया। मैंने उनसे एक और बात कही, हम अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना चाहते, तो जो भी नंबर आप मुझे दोगे उससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। 6 महीने बाद वापस मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख के मुझे दे दिया। कागज पे लिखा था 72,000 रुपए हर साल। अब आप पूछोगे ये 72,000 रुपए क्या नंबर है? और मैं आज यहां आपको बताना चाहता हूं, इस नंबर को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। 72,000 रुपए एक साल में, 360,000 रुपए 5 साल में। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपको 360,000 की सच्चाई बोल रहा हूं। मैं स्टेज से कह दूंगा कि 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाला जा सकता। अगर 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। मगर 360,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार डाल सकती है, यह सच्चाई है। अभी ताली मत बजाओ, थोड़ा ठहरो क्योंकि आगे जाना है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और मैं स्टेज से आपको गारंटी कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं मैं, आपसे रिश्ता बनाना है। कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि 2019 के चुनाव के बाद
चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, हमारी माताएं बहनें हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, कुछ भी हो, अगर उसकी आमदनी 12,000 रुपए महीने से कम की है, अगर उसकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम की है, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल के 72,000 रुपए डाल देगी। हर महीना आपके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार पैसा डालेगी। अब यहां महिलाएं भी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, जो पुरुष हैं उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मगर पैसा जो जाएगा हमारी माताएं और बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं, 25 करोड़ परिवार, 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हम पैसा क्यों डाल रहे हैं? इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया, हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया है। विदर्भा का किसान हाथ जोड़कर कर्जा माफी मांगता है, आत्महत्या करता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। अरुण जेटली जी जवाब देते हैं, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इतना दबाव डाला, यूपी में, महाराष्ट्र में मेरे दौरे हुए, 2 साल पहले इन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में कर्जा माफी का आपको फायदा मिला? मगर 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों को माफ किए गए। अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते, आजकल 15 लाख की भी बात बंद कर ली है, मगर आपसे ये नहीं कहते हैं कि 5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपए मैंने 15 लोगों का माफ किया, उसमें से अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंक ने दिया है, नहीं कहते। आपसे कहा था प्रधानमंत्री मत बना, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता मैं तो चौकीदार बनना चाहता हूं, मुझे चौकीदार बनाओ। आपने कभी किसान के घर में, किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने देखा है? अदानी के घर के सामने देखा है? तो चौकीदार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की चौकीदारी की। भाइयों और बहनों, 6 एयरपोर्ट अदानी को 2 मिनट में, जिस दिन पुलवामा में हमला हुआ उस दिन अखबार में छोटा सा, पूरा हिंदुस्तान पुलवामा की ओर, और नरेंद्र मोदी ने 6 एयरपोर्ट निकाल दिए। पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब देखिए नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। और इसने इतनी चौकीदारी की है पिछले 5 सालों में, इतने करोड़ों रुपए इसने अनिल अंबानी जैसे लोगों को दिए हैं कि हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में डालें। आप बीमा का पैसा देते हो, विदर्भ में आप बीमा का पैसा देते हो,
किसको देते हो? उन्हीं 15-20 लोगों को देते हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। अनिल अंबानी को, अदानी को, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं। आपका नुकसान होता है, आपके खेत का नुकसान होता है, आप पैसा देते हो बीमा के लिए, और जब आपका नुकसान होता है फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलता है। आपको कहा जाता है कि भैया आपका ही पैसा हम वापस नहीं लौटा रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुआ, मैंने ऐसे भाषण में वहां कहा, देखिए मैं आपको एक वायदा सीधा कर देता हूं, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन के बाद, चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। नरेंद्र मोदी जी ने भाषणों में कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन, 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब किसानों का कर्जा माफ करके हमने दे दिया। पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है इस देश में पैसे की। आपको गुमराया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। हां, अगर किसान पैसा मांगे, मजदूर पैसा मांगे, छोटा दुकानदार पैसा मांगे, तो हां पैसे की कमी है। मगर अगर अनिल अंबानी पैसा मांगे, कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट राफेल का, राफेल हवाई जहाज का, भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, हजारों करोड़ रुपए। यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी को दिया जाएगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगेगी, कर्नाटक में फैक्ट्री लगेगी, आंध्रा, तेलंगाना, अलग अलग प्रदेशों में हवाई जहाज बनाया जाएगा। कहीं उसके एवियोनिक्स बनाए जाएंगे, कहीं उसका रेडार बनाया जाएगा, कहीं उसके पंख बनाए जाएंगे, कहीं उसका इंजन बनाया जाएगा, अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री लगेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज था, फ्रांस जाते हैं अनिल अंबानी के साथ, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमसे मिला और उसने हमें साफ बता दिया, अगर हिंदुस्तान राफेल हवाई जहाज खरीदना चाहती है तो 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को परे करो, दूसरी बात, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाने की कोई जरूरत नहीं, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, और तीसरी बात, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, चौथी बात, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में आप खरीदिए, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी बात दोहरा रहा हूं। इंटरनेट पर जाइए, नाम हॉलैंड है उसका, आपको मिल जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए सीधा उसके जेब में, अनिल अंबानी की जेब में। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं उसको आपने कागज पकड़ा दिया और उससे कहा भैया एक काम कर, कागज का हवाई जहाज बना दो, वो कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएगा। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, नरेंद्र मोदी उसको अनिल भाई कहता है, आपको मित्र कहता है, आपको कहता है मित्रों, उसको कहता है भाई, आपको कहता है कि किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, उसको कहता है ये लो 30,000 करोड़ रुपए। और अनिल अंबानी जैसे लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं, धड़ाधड़ टीवी पे दिन भर,
सीधी सी बात, और हम न्याय चाहते हैं। अगर आप गरीबों को पैसा नहीं देना चाहते हो, 72,000 रुपए साल का जो है योजना का नाम न्याय रखा है, अगर आप गरीबों को पैसा नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, मैं समझता हूं, तो फिर उनको भी मत दो। अगर आप किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहते हो, ठीक है मैं समझता हूं, तो फिर अनिल अंबानी का मत करो, विजय माल्या का मत करो, नीरव मोदी का मत करो। मगर अगर आप उनका कर रहे हो, अगर आप दिन भर उनको पैसा दे रहे हो, तो हम इनको भी पैसा देंगे। आप एक रुपए दोगे तो हम एक रुपए देंगे, आप दस दोगे तो हम दस देंगे। दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, चमकती हुई गाड़ी, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरा आत्महत्या, भूख, डर, बेरोजगारी।